नमस्कार दोस्तों, रिया चक्रवर्ती आजकल कहाँ है किसी को पता है? सुशांत सिंह राजपूत की जो घटना है उसकी एक मुख्य किरदार है रिया चक्रवर्ती, और रिया चक्रवर्ती आजकल अपने नए मूवी नए प्रोजेक्ट करने में बिजी है। बहुत ही बड़ी ये घटना थी हमारे देश के लिए, लेकिन जब इस मामले में सीबीआई जांच आई तो उस वक्त भूचाल आ गया हर तरफ और ये फील होने लगा था कि काफी जल्दी इंसाफ मिलेगा। जबकि अगर उसके बाद के कई मामले हम देखें, जो खास करके मैं आज बात करना चाहूंगा पॉलिटिकल मामले को लेकर के, कि सीबीआई कितनी त्वरित कार्रवाई करती है और जो भी लोग गुनाहगार हैं उसको तुरंत ही बुला लिया जाता है जांच के लिए और पूछताछ के लिए। वहीं दूसरी तरफ एक और घटना हुई थी, आकांक्षा दुबे भोजपुरी एक्ट्रेस हैं जिसने की आत्महत्या कर लिया था। उस मामले में परिवार के लोग सामने आए, आकांक्षा के मां बाप, और उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई और एफआईआर दर्ज होते ही यूपी पुलिस काफी ज्यादा एक्टिव हो गई और समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। समर सिंह के ऊपर यह आरोप था कि उसने आकांक्षा दुबे को उकसाया है आत्महत्या करने के लिए, और यूपी पुलिस ने दबिश देते हुए समर सिंह को 4-5 दिन के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लगभग ऐसा ही मिलता जुलता मामला है सुशांत सिंह राजपूत का। यहां भी उकसाने का मामला दर्ज किया गया, लेकिन आज मैं ये कहना चाहूंगा कि परिवार के लोगों ने किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया कि किसने उसकी हत्या की है। रिया चक्रवर्ती आराम से घूम रही है, जबकि आकांक्षा दुबे के परिवार और उसके मां बाप सामने आए, पूरे गांव के लोग सामने आए और सड़कों पर उतर गए। मजबूरन यूपी पुलिस ने समर सिंह को गिरफ्तार किया, वहीं दूसरी तरफ यहां सड़कों पर नहीं उतरे जो फैंस थे, वो लगातार 2-3 साल से सड़कों पर उतरे और उन्होंने एक हंगामा किया कि सुशांत सिंह राजपूत के जो भी गुनाहगार है उसे गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन काफी कुछ संदिग्ध है, चाहे आरोपी हो चाहे आरोप लगाने वाले हो। कुछ ऐसे मामले हैं जो आज भी रहस्यों के घेरे में हैं। आज भी ये पता नहीं चलता कि आखिर ऐसी क्या बात है कि इतनी बड़ी चुप्पी है, जबकि सुशांत के जो फैंस थे वो सड़कों से लेकर के सोशल मीडिया तक आज भी प्रचार और हंगामा कर रहे हैं, आज भी ट्विटर पे ट्रेंड चला रहे हैं और वो कहते हैं कि गुनाहगारों को गिरफ्तार करो। लेकिन कौन सा गुनाहगार? क्या आपने कभी सोचा किसी के ऊपर आरोप लगा है कि किसने ये गुनाह किया है? नहीं, कागज में किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं है। किसी जो भी मुकदमे दर्ज हुए उसमें कहीं कोई आरोप नहीं लगाया गया कि इसमें गुनाहगार कौन है। वहीं आकांक्षा दुबे मामले में समर सिंह का नाम खुलकर के सामने आया और आकांक्षा के मां बाप ने यह आरोप लगाया कि समर सिंह ही इस मामले का मुख्य आरोपी है और समर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी तरफ यहां सब कुछ कागजों में घालमेल है जिसके कारण से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बताऊंगा विस्तार से अगले वीडियो में आपको पूरे मामले को। जय हिंद, जय भारत।